So I will quickly start with what we were doing yesterday. Is everybody able to see the screen? No, ma'am. No, ma'am. Just a moment. Sharing again. अभी दिखाई दे रहा है? दो नाउ Yes, ma'am. See, now last time we saw binary addition and subtraction. Subtraction we finished by three methods. One is direct subtraction method, second is one's complement method, and third is two's complement method. So subtraction mein teen methods humne dekhe. Direct subtraction, one's complement, and two's complement. Theek hai? Now just a minute. So today we will continue with the arithmetic, that is, we will continue with binary multiplication and division. So addition subtraction to humne dekha, अभी बाइनरी मल्टीप्लीकेशन बाइनरी डिवीजन और उसके बाद में अरिथमेटिक इन ऑक्टल नंबर्स एंड अरिथमेटिक इन हेक्साडेसिमल नंबर्स हम देखेंगे. So let us see what we are going to see before starting with binary multiplication. Let us see what we are going to learn in arithmetic of the other two number systems, that is octal and hexadecimal. So basically, in this arithmetic, the whole, that is the second chapter, what I'm talking about, we're going to see arithmetic of binary numbers, then octal,
और हेक्साडेसिमल, बिकॉज डेसिमल तो हमें पता है, हम वही सीख के आए हैं, ठीक है। इन बाइनरी अरिथमेटिक वी विल सी बाइनरी एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन वी विल सी बाय थ्री मेथड, डायरेक्ट, 1c एंड 2c, देन मल्टीप्लीकेशन, एंड डिविजन, ठीक है। ये चैप्टर में ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर ऑक्टल में क्या होगा, ऑक्टल में भी उसी तरह से होगा, एडिशन होगा ऑक्टल नंबर्स का, जो कि डायरेक्ट मेथड से होगा, एडिशन होगा ऑक्टल में, सब्ट्रैक्शन होगा, इसमें अगेन सब्ट्रैक्शन होगा डायरेक्ट मेथड से, और 1c और 2c मेथड से, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा एंड डिविजन। सेम वे फॉर हेक्साडेसिमल, वी विल हैव डायरेक्ट एडिशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन अगेन बाय थ्री मेथड्स, डायरेक्ट, 1c, 2c एंड मल्टीप्लीकेशन। डिविजन, हाँ, फर्क यही है कि ये जो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में हम जो मल्टीप्लीकेशन डिविजन करेंगे, ओके, दीज टू थिंग्स विल डू बाय बेसिक्स ऑफ बाइनरी, यानी कि बाइनरी के हिसाब से करेंगे, यानी कि ये जो ऑक्टल मल्टीप्लीकेशन है वो बाइनरी में कन्वर्ट करके हम करेंगे, डिविजन है वो भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करके करेंगे। उसी तरह से हेक्स का भी वैसे ही होगा, जो ऑक्टल हेक्साडेसिमल मल्टीप्लीकेशन है वो बाइनरी में कन्वर्ट करके किया जाएगा, और जो डिविजन है वो भी बाइनरी में कन्वर्ट करके किया जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन उस पर डायरेक्ट होंगे। इज दिस क्लियर? दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट, बाइनरी अरिथमेटिक। So quickly proceeding ahead. So we have seen binary addition and subtraction by direct 1c and 2c. Now we will see binary multiplication. So पहले तो rules देख लेते हैं binary multiplication के. Everybody is able to hear me and see the screen properly now? No issues now? Yes, ma'am. So 0 into 0 is 0, 0 into 1, anything into 0, because जब भी हम binary में बोलते हैं ना कोई भी process करने के लिए, तो दिमाग में क्या चलना चाहिए, दिमाग में उसका back side में, backdrop में ना उसका decimal value दिमाग में चलना चाहिए। मीन सामने हम binary value के बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं binary bits के बारे में, but what when it is reflected in your mind, it should be considered as a decimal value. जैसे कि 0 into 1 binary is what? 0 into 1 decimal. तो उसका value क्या आएगा? 0 decimal, जो कि binary में है 0. ठीक है? Yes. So binary 0 into 0 will be decimal 0 into 0. डेसिमल 0 इंटू 0 0 होता है, तो कन्वर्ट बैक करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड में बाइनरी 0 इंटू 1, डेसिमल में वो वैल्यूज क्या है? 0 इंटू 1, तो एनी नंबर इंटू 0 इज 0, तो अगर उसको कन्वर्ट बैक करेंगे हम बाइनरी में तो हमें 0 ही मिलता है। फिर सेकेंड एंड थर्ड सेम है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, वन इंटू जीरो विल बी ऑल्सो जीरो। नाउ फोर्थ, बाइनरी वन इंटू वन, इफ यू कन्वर्ट इन डेसिमल इट इज वन इंटू वन, डेसिमल वन इंटू वन इज वन, कन्वर्ट बैक टू बाइनरी इट इज वन, सो वन।
So these rules we will be considering for binary multiplication. I hope these rules are very simple and they are logical and clear to everyone. Samjhana, can I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अभी कुछ examples लेते हैं. तो binary multiplication हम करने वाले हैं. तो let's take some examples. फिफ्टीन इंटू टेन करते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि 1111 इज 15 एंड 1010 इज 10. तो 15 इंटू 10 करेंगे तो वैल्यू में 150 मिलेगा. ओरली हमें पता है, बाइनरी में कैसे करेंगे वो हम देखते हैं. ठीक है, तो पहले तो नंबर्स लिख लो. हाँ, नंबर्स लिखते समय सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन करते समय. इंटू 1010. मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही किया जाएगा जैसे हम जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि मान लो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन 625 इंटू 15. कैसे करेंगे हम? पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ. 5 इंटू 5 इज 25. 5 कैरी 2. 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 2 विल बी 12 कैरी 1. 6 इंटू 5 इज 30 प्लस 1 इज 31. इधर x डाल देंगे बिकॉज अभी हम 10 से शुरू कर रहे हैं तो यूनिट्स में x आ गया. तो 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 6 इज 6 एंड देन वी एड 5, 7, 3, 9. बराबर ना? याद है ना मल्टीप्लिकेशन की? भूल गए सब लोग लॉकडाउन में. याद, चलो अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन में तो हम लोग सारे इंस्टा स्नैपचैट पे ही थे ना काफी टाइम. फेसबुक पे थे, यूट्यूब पे थे, कुछ कुछ नेटफ्लिक्स एंड व्हाट प्राइम वीडियो सब सब डाउनलोड करके रखा था हमने फोन में. हम लोग उसी पे थे तो मुझे लगा थोड़ा धूल मिट्टी जमा हो गई रहेगी. ओके, सो हियर आल्सो वी फॉलो इन द सेम वे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट वी स्टार्ट विद दिस एलएसबीड. 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू नेक्स्ट 1 इज 0 एंड 0. सो बेसिकली अगर तुम वो फर्स्ट ये चारों बिट्स को अगर तुम जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें बेसिकली जीरो 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 ही मिलने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट मैं वन के साथ जब भी मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे मैं एक्स डालूंगी. जब भी मैं वन के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये पूरा का पूरा नंबर वैसे का वैसे ही आने वाला है. तो वन इंटू वन 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 इज 1111. ठीक है, नेक्स्ट दो एक्सेस आ जाएंगे. फिर 1111 इंटू इसके साथ में हम लोग ने किया भी मल्टीप्लाई, अभी जीरो के साथ क्या आएगा? जीरो 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 जीरो. लिखते समय बिट पोजीशन बराबर से लिखना. फिर तीन एक्स आ जाएंगे. फिर ये वाले वन के साथ में मल्टीप्लाई करूंगी तो 1111 और फिर हम ये सारे चीजों को ऐड करेंगे. समझा ना कैसे किया मैंने? हाँ बोलो बेटा. हाँ समझा? हाँ मैम. यस. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ऐड देम. ठीक है, हम ये सारी चीजों को ऐड करने वाले हैं. तो ये ऐड करते समय ना ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है. तो मैं ये अभी तुम्हारे लिए बना रही हूँ बिकॉज फिर क्या होता है वो अलाइनमेंट, हम अलाइनमेंट में बराबर से नहीं लिखेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाता है. ठीक है, उसके लिए मैं ये ऐसे ब्लॉक्स बना रही हूँ. तो अभी हम एडिशन के लिए शुरू करेंगे. हाँ, अभी जीरो इंटू ये एक्स 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 का बेसिक मतलब होता है जीरो. तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज जीरो. जीरो प्लस वन इज वन. यहाँ पे बाइनरी एडिशन फॉलो होगा. जीरो प्लस वन प्लस जीरो इज वन. वन प्लस वन सम इज जीरो कैरी वन. वन प्लस वन प्लस वन सम वन कैरी वन. वन प्लस वन सम जीरो कैरी वन. वन प्लस वन सम जीरो एंड अ फाइनल कैरी. बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, पर इससे खतरनाक एग्जांपल्स आने वाले हैं.
जहाँ पे बड़े बड़े कैरी वैल्यूज रहेंगे, तो वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगी तुम्हें, ठीक है? तो देयरफॉर इसका आंसर आता है 1111 टू द बेस 2 इनटू 1010 टू द बेस 2 इज 100 10110 टू द बेस 2. तुम चाहिए तो इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. अभी ये क्या है 15 टू द बेस 10, ये है 10 टू द बेस 10. अभी ये देखो कितना आता है, दिस इज स्टार्टिंग विथ लास्ट 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3 0 है, 2 raised to 4 इज 16, 2 raised to 5, 2 raised to 6, 2 raised to 7, 2 raised to 7 आता है 128. तो अभी इसे एड अप करके देखो कितना आएगा, 20 और ये 30, 150. समझा ना, राइट आया ना आंसर? कैरी में अगर जीरो रहता तो कुछ नहीं, हम लोग वो जीरो को कंसिडर नहीं करते. यहाँ पे वन आया करके मैंने यहाँ पे वन लिखा, दैट्स इट. अंडरस्टूड ना ऑल ऑफ यू? यस मैम. ओके, अभी थोड़ा खतरनाक एग्जांपल लेते हैं. मैम कैरी जीरो आया तो नहीं लिखने का ना? नहीं लिखने का, फाइनल कैरी अगर जीरो आया तो. अच्छा ठीक है, सिंपल ही लेके बताती हूँ, इतना सारा तुम्हें डाउट्स आ रहा है उसके बारे में. क्या लेते हैं 8 into 3, ठीक है? 8 into 3 बेसिक लेते हैं चीज. So, मैंने 8 लिख लिया यहाँ पे. अभी ये जो 3 में 0011 है, तो ये मैं जीरोस आगे के जीरोस नहीं कंसिडर करूंगी तो भी चलेगा, बिकॉज मुझे पता है उनका वैल्यू जीरो ही आने वाला है. अगर मैं लिखती हूँ तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. जैसे मैं लिख देती हूँ अभी तुम्हारे लिए, बट एक्चुअली अगर हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो भी चलने वाला है, बिकॉज इट इज नॉट एडिंग टू योर बेसिक वेटेज ऑफ द बाइनरी number. So we start with the LSE position 1000 into this 1000 into this one is 1000. फिर x आ गया, फिर next one के साथ वापिस 1000. तो दो एक्स आ गए, फिर जीरो के साथ तो वो होता है 0000. और तीन एक्स आ गए, वापस जीरो के साथ होगा 0000. तो ये जीरो लिखने का एक्चुअली कोई मतलब नहीं होता है, बट जस्ट फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम डूइंग इट. तो दिस इज 0000110100. तो इसमें कोई कैरी नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया. बहुत ही सिंपल सम था ये. सो व्हाइल राइटिंग इट, ये तुम्हें समझा ना, मैंने अलाइनमेंट इसके हिसाब से लिखा था. ये अलाइन प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि थियरी पेपर्स में काफी लोग गड़बड़ करते हैं ये सब लिखते हुए, एंड देन ही यू टेंड टू मेक मिस्टेक्स एंड यू लूज मार्क्स. So, iska answer will be 1000
to the base 2 into 0, 0, 1, 1 to the base 2 is 1, 1, 0, 0, 0 to the base 2. अभी देखो मैंने आगे के zeros consider नहीं किए because it, I know that it is not going to make any difference. Understood ना all of you? Yes ma'am. Yes. अगर आपको verify करना है तो verify भी कर सकते हो. ये है 8 to the base 10. This is 3 to the base 10 और ये 16 plus 8 24 to the base 10 तो बराबर आया ना आंसर. Yes. अभी हम लोग next now I'm going to take some bigger example. Zero, 1 0 to the base 2 into 1 1 1 1 to the base 2. So ये basically है ये है 8 और ये 16 plus 8 is 24 plus 2 is 26 26 into 15 है. आंसर रेडी रखना इसका तुम लोग क्या आना चाहिए एक्सपेक्टेड. सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 0 1 0 एंड देन 1 1 1 1 ठीक है. तो वैसे ही शुरू करेंगे 1 1 0 1 0 इज 1 1 0 1 0 इनटू 1 इज द सेम पुट द एक्स अगेन 1 जा 1 1 0 1 0 पुट 2x अगेन 1 जा 1 1 0 1 0 देन पुट 3x अगेन 1 जा 1 1 0 1 0 ठीक है. प्रॉपरली अलाइन कर दो लाइन्स मेरे थोड़े आड़े टेढ़े आ रहे हैं इग्नोर देम बिकॉज इन वन एंड हाफ ईयर आई हैव ऑल्सो लॉस्ट ट्रैक ऑफ राइटिंग ऑन बोर्ड जैसे कि यू हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ राइटिंग ओनली ना बराबर ना. नो अच्छा यू आर राइटिंग एवरी डे. यस मैम. वेरी गुड. व्हाट यू आर राइटिंग मैम? योर नोट्स. दैट वाज गुड वन. ओके चलो नेक्स्ट. सो वी स्टार्ट विद द एडिशन. सो 0 1 प्लस 0 इज 1 0 प्लस 1 प्लस 0 इज 1. ध्यान देना अभी 1 प्लस 1 अभी 0 सो मैं कंसीडर ही नहीं कर रही हूं बिकॉज़ मुझे पता है कि उनको ऐड करके भी कुछ होने नहीं वाला है. 1 प्लस 1 0 कैरी 1. अभी यहां पे ध्यान दो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी यू वॉच आउट दिस लाइन. इन दिस लाइन सी वी हैव दिस थ्री वन एंड दिस वन ठीक है. अभी मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो बराबर से. हाँ अभी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 चार बार 1 आया उसका डेसिमल में वैल्यू क्या आता है. सी हम लोग बाय द वे लिखते जरूर है बट बैक ऑफ द माइंड में तुम्हारा जो कैलकुलेशन है ना वो डेसिमल में ही चलना चाहिए तो तुम्हें हमेशा करेक्ट आंसर्स मिलेंगे.
वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोर टाइम्स वन, तो बेसिकली उसका वैल्यू क्या आता है, फोर ना. यस मैम. यस. हाउ डू वी राइट फोर इन बाइनरी फॉर्म? 100. हाँ, तुम 0100 ले सकती हो, बट जब भी मुझे ये सम और कैरी के फॉर्मेट में लिखना है तो ये जो एमएससी पोजीशन में जीरो है इसका कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज इट इज नॉट एडिंग द वेटेज. तो हम बेसिकली कंसिडर करते हैं 100. तो उसमें से सम हमेशा सिंगल डिजिट जो रहेगा एलएसबी पोजीशन पे. द एलएसबी पोजीशन बिट वैल्यू विल बिकम योर सम. और एमएसबी में चाहे दो बिट्स हो चाहे तीन बिट्स हो, जो भी हो वो तुम्हारा कैरी पोजीशन बनेगा हमेशा. तो सम 100 अगर मेरा आंसर है 1 + 1 + 1 + 1, देन सम बिकम जीरो एंड आई कैरी फॉरवर्ड इट एज 10. तो जब भी मैं ये 10 वहां पे लिखती हूँ तो तुम्हारे माइंडसेट में क्या आना चाहिए, ये 10 क्या है? 2 है, इट इज नॉट 10. 3 नहीं रहे, 10 इज 2. टेबल भूल गई. ये टेबल जुबानी याद होना चाहिए, इट शुड बी ऑन योर टिप ऑफ द टंग. हाँ, अभी ध्यान दो मेरी बातों पे, मैं क्या बोल रही हूँ. अगर मुझे 0 को रिप्रेजेंट करना है तो उसका बिट वैल्यू 0 ही है, बट अगर मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में तो दिस सिंगल डिजिट इज इनफ टू रिप्रेजेंट, सिंगल बिट. अगर मुझे 2 रिप्रेजेंट करना है तो 10 इज इनफ, ये दो जीरो का कोई मतलब नहीं है. अगर मुझे 3 रिप्रेजेंट करना है तो 11 इज इनफ. If I want to represent 4 in this sum and carry method of multiplication, 100 is enough. If I have to represent 5, 101 is enough. If I have to represent 6, 110 is enough. If I have to represent 7, 111 is enough. If I have to represent 8, then I need all 4 bits, 1000. If I have to represent 9, then I need all 4 bits, 1001. But when I write it as a sum and carry, always sum will be the last LSB digit and carry ka jo remaining bits hai, wo carry forward hoga next position pe. So you have to remember that this value what I have written over here is actually binary 2, decimal 2, binary 10. Samjha na? Main kya bol rahi hu? Yes, ma'am. अभी हम प्रोसीड करते हैं एडिशन आगे. हाँ, अभी 10 क्या है, बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखना, 2 + 1 + 1 वापिस हो जाता है 4. तो 4 में सम 0 कैरी 10 वापिस, 10 इज कैरी प्लस 1 + 1 वापिस 4, वापिस 4 तो वापिस सम इज 0 एंड कैरी इज 10. 10 होता है 2, 2 + 1 इज माइक मैम किसका, मेरा. दो मिनट. अभी ठीक है? यस मैम. यस मैम. सो अभी लास्ट में 10 है 2 + 1 = 3, तो 3 में सम 1 बनेगा एंड फाइनल कैरी 1. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस मैम. सो दैट्स व्हाई द आंसर. Thank you.
1111 to the base 2 is 11000110 to the base 2. अभी तुम्हें चाहिए तो तुम ये वेरीफाई कर सकते हो. तो ये वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ. 20 16 + 8 = 24 + 2 = 26 टू द बेस 10 है ये, इनटू दिस इज 15 टू द बेस 10. सो बेसिकली बाय कैलकुलेटर 26 × 15 = 390 टू द बेस 10. तो अभी ये वेरीफाई कर लो. हाँ ये है 2 raised to 0, फिर 2 raised to 1 है 2, प्लस 2 raised to 2 है विच इज 4, प्लस 2 raised to 3, 4, 5, 6 है ही नहीं. 2 raised to 7, 2 raised to 8 है. 2 raised to 7 is 128, 2 raised to 8 is 256. हाँ तो इसका एडिशन क्या आता है, 256 प्लस 128 प्लस 4 प्लस 2 इज 390 बराबर. यस मैम. यस सो वेरीफाइड. ये वेरीफाइड करना जरूरी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए करके दिखा रही हूँ. अभी ये जो बाजू में मैंने हाईलाइट करके रखा था ताकि तुम्हें सम और कैरी समझ में आए, ये ऐसे ही रखूं कि इरेज कर दूं? मैम. हाँ बोलो. एक बार वापस बताओ ना, वो 10 कैसे आया ऊपर? वो 10 नहीं है, मैं क्या बोल रही हूँ तू सुन नहीं रहा है मुझे. वो 10 है क्या? तो समझा ही नहीं क्या वो. हाँ तो तेरा ध्यान नहीं था, तू कौन से विंडो पे था, मोबाइल पे? तू अब मोबाइल पे अटेंड कर रहा है कि लैपटॉप पे अटेंड कर रहा है? लैपटॉप पे अटेंड कर रहा है. तो वॉज देर एनी मल्टीपल विंडोज ओपन नेक्स्ट टू एमएस टीम? नो ना. पक्का? अभी स्क्रीन शेयर करने बोलूंगी तो मैं अभी दिखाई देगा उस पे. क्या मैं स्क्रीन यहाँ से शेयर करने तक तो तू वहाँ से गायब कर देगा? नहीं मैं मेरा छोटा. मेरी बेटी भी वैसी है, मेरा बेटा भी घर पे वैसे है. मैं घर पे देखती हूँ ना वो लोग कैसे ऑनलाइन अटेंड करते हैं. तुम्हारे उतने ही है तो वो मुझे आइडिया है क्या चलता है. मैं उधर जाके खड़ी रहूंगी बाजू में तो उधर 2 सेकंड में बाकी सब विंडोज गायब हो जाते हैं और उनका स्कूल का कॉलेज का स्क्रीन आता है. सो द ड्रामा गोज इन माय हाउस आल्सो. ओके ओके जस्ट किडिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. नाउ लिसन, अभी यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ ये चीज का. ठीक है, तो ये जो ये वाला पोजीशन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, यहाँ पे था 1 कैरी से मिला था हमें और नीचे थे 1101. ये वाली चीज हमें ऐड करनी थी. तो जब भी हम ये ऐड कर रहे हैं तो लिखते समय हमने यहाँ पे बाइनरी वैल्यूज लिखे हैं, बट इन बैक ऑफ अवर माइंड वी शुड रन डेसिमल वैल्यूज ओनली. जैसे कि 1 + 1 + 1 + 1 अगर हम डेसिमल में करने चाहे तो हमें वैल्यू मिलता है 4. तो 4 का जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है 010 ये वैल्यू. बट इसमें ये जो 0 है एमएसबी पोजीशन वाला, दिस डजंट एड ऑन टू द वेटेज ना. मींस अगर हम 0100 ले रहे हैं तो ये है 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3. दिस इज मीनिंगलेस. हाँ एमएसबी पोजीशन. तो एक्चुअली जो मतलब है हमें ये 3 बिट से है. सो बेसिकली 4 रिप्रेजेंटेशन इन बिट फॉर्मेट, मिनिमम रिक्वायर्ड बिट फॉर्मेट इज 100. तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया. उसमें से ये 100 में से ये तुम्हारा जो 0 है ये हम लिखेंगे यहाँ पे सम पोजीशन में. ठीक है, एंड ये जो 10 बच जाता है हाँ वो हम लिखेंगे
ये जो 10 बच जाता है वो हम लिखेंगे यहाँ पे कैरी पोजिशन. सो दैट 10 व्हेन वी राइट इन कैरी पोजिशन वी डोंट कंसिडर इट एज 10 बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग बाइनरी मल्टीप्लीकेशन. दैट 10 फॉर अस इज बाइनरी 2 ओनली, सॉरी डेसिमल 2. इन बाइनरी इट इज 10. अभी अभी समझ में आया मैं क्या बोल रही थी. मैम मैम आपका नेट इशू हो गया तो कुछ सुनाई नहीं दिया. वो 10 के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया. अच्छा अच्छा. इसके लिए ना मुझे वो लाइव क्लासरूम लेक्चर्स ही अच्छा लगता है. एनीवेज व्हाट कैन वी डू. अभी ये 1+1+1+1 हमें 4 मिला, ये समझा ना. तो 4 हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 100 में. तो 100 में ये बन जाता है सम और ये दोनों बिट्स बन जाते हैं कैरी. तो बेसिकली सिंगल LSB पोजीशन पे जो बिट है LSB पोजीशन पे वो हमेशा सम बनेगा और बाकी के जितने भी पोजीशन पे बिट्स है चाहे वो वन सिंगल बिट होने दो. जैसे कि अगर हम लोग 1+1+1 करते हैं तो वो 3 होता है. ठीक है, इट इज डेसिमल 3. पर जब भी हम बाइनरी में लिखते हैं तो वो होता है 1 1. तो वो 1 1 में से ये 1 कैरी बन जाता है एंड दिस LSB पोजीशन 1 बिकम्स अ सम. तो दिस इज सम एंड दिस इज कैरी. समझा क्या? तो इस वजह से ये जो 0 है 1+1+1 का ये जो 0 है LSB पोजीशन पे वो हम लिखेंगे यहाँ पे और ये जो 10 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे. नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? कि अभी भी नहीं समझा? समझा मैम. सो अभी उसी तरह से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे. अभी ये जो 10 है उसके साथ हमें ये 2 नए बिट्स को ऐड करना है, 1 and 1. अभी ये 10 क्या है बैक ऑफ द माइंड में? 2. उसमें हम लोग 1 और 1 ऐड करें तो वापस वो 4 बनता है. वापस अगर 4 बनेगा तो 4 में से ये 0 बनेगा सम और ये 10 बन जाएगा कैरी और उसी तरह से आगे आगे बढ़ता जाएगा. अभी फॉर्चुनेटली यहाँ पे सारे वैल्यूज 4 की तरह ही आए, बट वो कभी कभी 5 आ सकता है, कभी 6 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है. बट लॉजिकल मेथड यही रहेगा जो अभी मैंने तुमको बताया. आगे भी बताऊंगी बाकी सब एग्जांपल्स के लिए. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस मैम. यस मैम. अभी और एक डेसिमल वाला बताती हूँ मैं तुम्हें, डेसिमल के साथ कैसे करते हैं, इंटीजर वैल्यूज के साथ फटाफट बता देती हूँ. अभी डेसिमल वाला बताती हूँ. तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बहुत मैथमेटिकल सब्जेक्ट है तो मैं भी इसके लिए बहुत मैं स्लो जा रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू टेक टाइम एंड टीच यू. समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? यस मैम. यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1 1 0 1 0 dot 1 0 1 to the base 2 into 1 0
0 1 0 dot 1 to the base 2. So we are going to solve this. यहाँ पे काफी सारा कैरी कैरी आने वाला है तो उसके लिए मैंने ये पिकअप किया है. सो ऐसे लिखते हैं हम लोग 1 1 0 1 0 डॉट यहाँ पे डालती हूँ मैं 1 0 1. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे 1 है और ये आता है 0 1 0 0 1. समझाना सब लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, डेसिमल पोजीशन के हिसाब से मैंने नंबर्स का मैपिंग किया है. तो अभी ये सिंगल वन है तो यहाँ पे ये जीरो एड ऑन कर दो बिकॉज हमें पता है कि वो नंबर ऑफ बिट सेम होने चाहिए. उसके हिसाब से मैंने वो टूवर्ड एलएसी पोजीशन पे एड ऑन किया. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे. तो 1 2 3 हम लोग डेसिमल पॉइंट बाद में देंगे. वो कैसे डालना है मैं बताऊंगी. फिर वो डेसिमल में जो लॉजिक है उसके हिसाब से ही आता है. अभी बेसिकली नंबर इज शॉर्टकट क्या है, नंबर देख लो पूरा का पूरा. फर्स्ट नंबर 1 1 0 1 0 dot 1 0 1 into this, we start from here, LSE position. Second number, 0. तो क्या आएगा, सेम नंबर 1 1 0 1 0 1 0 1. ठीक है. डेसिमल पोजिशन अभी कंसिडर मत करो, कंफ्यूजन होगा. फाइनली एडिशन करने के बाद एंड में रिप्रेजेंट करो. सेम वे में जाएगा x. नेक्स्ट वापस जीरो के साथ. अच्छा, मैंने गलती कर दिया. आई एम सो सॉरी ऑल ऑफ यू. अभी मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ कि मैं दूसरे विंडो पे कुछ और देख रही हूँ. सो इट इज ऑल जीरो. ये जीरो लिखना इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज तुम डेसिमल के लिए कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन. तो पोजीशन एग्जैक्ट आना बहुत इम्पोर्टेंट है वरना वैल्यू मैच नहीं होगा. अभी नेक्स्ट भी जीरो है तो यहाँ पे एक्स डाल दो. अभी कितने जीरोज है, ये 8 जीरोज है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. मैपिंग बराबर आना चाहिए बिट टू बिट, फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन से. नेक्स्ट अभी वन जा है तो ये आएगा 1 1 0 1 0 1 0 1. ठीक है. समझा ना सब लोगों को, समझ में आ रहा है ना? थ्री एक्सेस अभी जीरो जा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर उसके बाद 4x, फिर वापस वन जा तो 1 1 0 1 0 1 0 1. फिर नेक्स्ट इंक्रीज करो. अभी जीरो जा है दो बार तो 1 2 3 4 5 6 7 8. नेक्स्ट भी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर लास्ट वाला वन है. So 1 1 0 1 0 1. गड़बड़ किया मनी मैम, एक एक्स्ट्रा है. यस 0 1 0 0. ठीक है. अभी पहले मैप कर देते हैं. मैम लास्ट इसमें 0 1 आएगा ना? हाँ
किसमें? 01 लास्ट में. क्या मैंने गड़बड़ किया कुछ लिखने में? दो मिनट चेक करूं. लास्ट में एक्स के पहले. हाँ हाँ बराबर. यस थैंक यू. अभी हम मैप कर देते हैं ताकि हमें एडिशन करते समय कंफ्यूजन ना हो. ये लाइंस निकालना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर तुम्हें पता है कि सब तुमने बराबर अलाइनमेंट में लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अलाइनमेंट में नहीं है तो ही प्रॉब्लम है. ठीक है. सो अभी हम आंसर निकालते हैं. यहाँ पे सब जीरोस है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे ये सिंगल वन है. नेक्स्ट यहाँ पे भी जीरो है. अभी ध्यान देना, ये वन प्लस वन सम इज जीरो कैरी वन. फिर ये पूरा वन ही है. फिर ये वन प्लस वन सम जीरो कैरी वन. फिर ये वन प्लस वन सम जीरो कैरी वन. अभी ध्यान देना, वन प्लस वन प्लस वन क्या होता है? थ्री. तो थ्री में सम वन आएगा कैरी वन. वन प्लस वन प्लस वन सम इज वन कैरी इज वन. वन प्लस वन सम जीरो कैरी वन. वन प्लस वन प्लस वन सम वन कैरी वन. वन वन वन. ठीक है. अभी यहाँ पे हमें डेसिमल पोजिशन लेने हैं. तो हम डेसिमल पोजिशन कहाँ पे लेंगे? फर्स्ट नंबर वॉज हैविंग थ्री डेसिमल प्लेसेस, सेकेंड नंबर वॉज ऑल्सो हैविंग थ्री डेसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पे थ्री प्लस थ्री कितना होता है? सिक्स डेसिमल प्लेसेस. सेम डेसिमल नंबर्स का लॉजिक. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ पे तुम्हारा डेसिमल पॉइंट आएगा. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस मैम. सो आंसर ऑफ वन वन जीरो वन जीरो डॉट वन जीरो वन टू द बेस टू इंटू वन जीरो जीरो वन जीरो डॉट वन टू द बेस टू इज वन 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 जीरो वन वन जीरो जीरो डॉट वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो. समझा? अभी तुम्हारे लिए आज के लिए देती हूँ तुम्हें काम. ये जो अभी मैंने कन्वर्ट किया इसे वेरीफाई करके मुझे बताना वो बराबर है क्या. मीन्स इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स को और वो आंसर बराबर आया है कि नहीं बताना मुझे. समझा क्या? हाँ. मैं अपलोड कर देती हूँ ये टीम्स में. जस्ट अ मोमेंट.